अगली खबर में बात करते हैं अयोध्या की, जहां मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुरखी विधानसभा के ग्रामवासियों की तरफ से भगवान राम लल्ला को चांदी की राम शिलाएं भेंट की गई हैं। सुरखी विधानसभा के 400 ग्रामवासियों के साथ मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत राम शिला लेकर अयोध्या पहुंचे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात कर चांदी की राम शिलाएं समर्पित किया है। बताया जाता है कि सुरखी विधानसभा के लोगों ने राम शिला के पूजन में 7,21,000 का नगद भी समर्पण किया था। लोगों के द्वारा दिए गए नगद धनराशि को भी रामलला को समर्पित कर दिया गया है। देखिए, राम शिलाओं में हमारे सागर मध्य प्रदेश के करीब 300 भक्तगण आए हुए हैं, जो अधिकांश हमारी विधानसभा के हैं। और विधानसभा में जब जिस दिन श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन यहाँ राम मंदिर में पूजन किया था, उस दिन पूरे भारत में गांव-गांव में दिवाली जैसा माहौल था, उत्सव था, आनंद का दिन था, आनंद की रात थी। उसी दिन से हम लोगों ने राम शिलाएं विधानसभा में शुरू की और राम शिलाएं करीब 1 महीने चली। उसके बाद तय हुआ कि राम शिलाएं सारे विधानसभा के भक्तगणों के साथ लेकर हम अयोध्या जाएंगे। आज हम लोग बड़े खुशी और हर्षित हैं, अयोध्या की इस पावन भूमि पर राम शिलाएं लेकर हम लोग आए हैं। चांदी की 3 राम शिलाएं हैं जिनका वजन 1-1 किलो है और जो चंदा के रूप में, चढ़ोतरी के रूप में जो श्रद्धालुओं ने गांव में 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये, 500 रुपया जो डाले हैं, वो राशि करीब 7,21,000 रुपया हुई है, उसको भी हम लोग लाए हैं। मैं चिल्लर के जो मिला है, जो कि तो डब्बे हम लोग लाए हैं और हम सब इस बात को से आनंद प्रसन्न हैं कि राम जन्मभूमि में इस हम लोगों के लिए राम शिलाएं अर्जित करने का अवसर मिला।